गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को चैप्टर टू पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम चैप्टर वन पढ़ा चुके हैं, वो द कैट फैमिली के बारे में। आज जो है चैप्टर टू में है हंट विद नाउंस, मतलब कि नाम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नाम क्या होता है और उसके टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, इन सब बारे में हमको इस चैप्टर में। नाम के लिए टाइप होते हैं कलेक्टिव नाम, उसी पे हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो पहले तो हम जानेंगे, इससे पहले आप लोग जो है वो इंग्लिश ग्रामर हो या मतलब हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश ग्रामर में नाम आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले, या उसको हिंदी में बोलते हैं जैसे संज्ञा। तो उस संज्ञा के क्या होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और नाम क्या, उसके क्या टाइप्स होते हैं, ये पहले आप लोग इंग्लिश ग्रामर हिंदी व्याकरण इन सब में नाम के पर आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे जैसा कि मुझे लगता है। तो अब आप लोगों को जीके में भी इसके बारे में कुछ पढ़ना है। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि नाम होता क्या है। तो नाम का पहले हम लोग पढ़ेंगे किसे पढ़ेंगे, तो आखिर नाम कहते किसे हैं। तो ए वर्ड दैट इज नेम ऑफ थिंग ए प्लेस और ए पर्सन, यानी कि नाम उसे कहते हैं किसी भी चीज जगह या पर्सन व्यक्ति के नाम को हम जो है वो नाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि माय नेम इज राम, तो माय नेम इज राम, तो राम जो हुआ वो क्या हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, तो इसमें राम को हम नाम कहेंगे। फिर है ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें ही इज गोइंग टू स्कूल में नाम कौन हुआ, तो स्कूल हुआ। तो ये क्या हुआ, स्कूल जो क्या हुआ, एक जगह का नाम हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाम बोलेंगे। आई हैव अ पेट डॉग, मतलब कि हम लोग के पास एक पेट डॉग है, तो इसमें नाम कौन सा हुआ, तो डॉग। ये जो है किसी पर्सन के बारे में हुआ, तो ये डॉग हुआ। तो इस तरह से हम लोग ये इस नाम पे डिस्कस किए कि नाम होता क्या है। अब है नाउन, नाउन के नाम पीपल में हो गया मैन और वोमैन। फिर एनिमल्स के नाम में हो गया डॉग और कैट। फिर प्लेस, जैसे कि टाउन हुआ, सिटी हुआ, तो ये प्लेस का नाम हो गया। फिर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ये सारे हो गए ऑब्जेक्ट। अब और होता है एक्शन, एक्शन में क्या होगा, तो एक्शन में होगा डांसिंग, सिंगिंग, ऐसे जो होते हैं वो एक्शन में होंगे। ये सारा कुछ जो हुआ वो नाम हुआ। फिर मेजर, मतलब मापने वाला, जैसे कि इंच हुआ, माइल हुआ, किलोमीटर हुआ, ये सारा कुछ जो है इन सब को हम नाम कहते हैं। फिर अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब कि नाम के कितने प्रकार होते हैं। तो नाम के 5 टाइप्स होते हैं और हम लोगों को इस बुक में उसी 5 टाइप्स के एक टाइप कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहले तो हम जानेंगे कि पहला टाइप कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। तो अब प्रॉपर नाउन पर हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं, उसका क्या डेफिनेशन होता है। तो प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये प्रॉपर नाउन कहते किसे है, तो पार्टिकुलर नाम हो, प्लेस हो या थिंग हो, कोई वस्तु हो, उसके नाम को जो हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इसको इसका एग्जांपल ले लीजिए कि मीरा इज द बेस्ट गर्ल। अब इसमें हम आप लोग बताएंगे कि इसमें मीरा इज द बेस्ट गर्ल में प्रॉपर नाउन कौन सा हुआ, तो एक स्पेसिफिक नेम, जैसे कि मतलब ये नाम जो हुआ मीरा, इसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है जैसे कि छत्तीसगढ़ इज इन इंडिया, मतलब छत्तीसगढ़ जो है वो कहाँ है, तो इंडिया में है, तो ये जगह प्लेस का नाम हुआ, तो हम इसको प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरा टाइप
बॉय का जाति बताता है, ये गर्ल क्या होती है, गर्ल की जाति बताती है, स्टेट मतलब कि किसी स्टेट का जगह का किसी का बता रहा तो हम इसको कॉमन नाउन है, किसी की नगर ये सारा कुछ जो है वो कॉमन नाउन में आते हैं। फिर अब हम उसका थर्ड टाइप जैसे कि कॉलेक्टिव नाम, और इसी कॉलेक्टिव नाम के बारे में हम लोगों को समूहवाचक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समूहवाचक, समूहवाचक के नाम के बारे में ही, कॉलेक्टिव नाम के ही बारे में हम लोगों को इस बुक में आप लोगों के चैप्टर 2 में डिस्कस करना है। तो हम पहले जानेंगे कि कॉलेक्टिव नाम होता क्या है। तो कॉलेक्टिव नाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे समूहवाचक। तो कॉलेक्टिव नाम इज वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। मतलब कि कॉलेक्टिव नाम जो है वो ग्रुप को डिनोट करता है, कि किसी भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी ग्रुप, जैसे पीपल का ग्रुप हुआ, एनिमल का ग्रुप हुआ, थिंग का ग्रुप हुआ, ये सारा जो है वो ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम उसको क्या चीज़ में, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या चीज़ में रखेंगे, कॉलेक्टिव नाउन में रखेंगे, यानी समूहवाचक में रखेंगे। तो अब इस पे हम जैसे कि क्राउड, हम लोग जैसे लिखते हैं कि क्राउड, इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप ऑफ सोल्जर, ग्रुप ऑफ सोल्जर को क्या बोलेंगे, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर। इस तरीके से अब कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर, मतलब कि जो पीपल है वो एक साथ जो पीपल काम करते हैं उसको हम, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, तो टीम बोलेंगे। इस तरीके से ये कॉलेक्टिव नाउन यानी कि इसको हम समूहवाचक संज्ञा करते हैं। उसके बाद है फोर्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव हो। तो इसका इसको हम कैसे डिस्कस करें, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वर्ड यूज एज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मतलब कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाम जो है वो क्या है, तो हम उसको क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के नाम को जो है हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाम कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाम का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे गुडनेस, ये जो ऑनेस्टी, ये जो है वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाम के एग्जांपल है। उसके बाद है, अब हम लोग जो है फाइव और लास्ट, मटेरियल नाम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मटेरियल नाम होता क्या है। दीज आर नेम्स फॉर ऑल मटेरियल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल नाम, यानी कि दीज आर नॉट क्रिएटर्स बाय ह्यूमन। ये जो मटेरियल नाउन है इसको हम सब क्या कहते हैं, तो मटेरियल नाउन का एग्जांपल जैसे हुआ वाटर, रेन, सिल्वर, ये जो हुआ सनलाइट, ये जो है नेचुरल है, और इसे हम मटेरियल नाउन में रखते हैं, इसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ये तो हुआ आपका टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन के जो टाइप होते हैं उस बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब आपका आपके चैप्टर में जो है आपको सिर्फ मनी जो है वो कॉलेक्टिव नाउन के बारे में जानना है, कि कॉलेक्टिव नाउन जो है वो क्या होता है, और इसमें जो दिया हुआ है आपके बुक में दिया हुआ है कॉलेक्टिव नाउन का, ये फील करना है कि ये फिगर दिया हुआ है आपका और इधर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको फील करके लिखना है। तो हम तो पहले जानेंगे कि नाम क्या होता है जाने, उसके बाद उसका टाइप्स जाने, और उसके उसमें जो है टाइप्स कॉलेक्टिव नाउन उसके बारे में जाने। तो आपका अब ये है कि इसमें दिया हुआ है फिगर बुक में आपके, और उसका
फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।